नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं निधि भारती, FMI न्यूज़ वालों तुहाडे सारयां दा स्वागत करती हाँ। अज्ज दिन सोमवार, तरीक 2 मई, असी कैनेडा दे चैनल वाई ते यूके दे संगत टीवी ते वी साडे सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करांगे सुरखियां दे नाल। नवे CPS नियुक्ति मामले च पंजाब सरकार नूं हाई कोर्ट का नोटिस, 24 मई तक सरकार नूं देना पवेगा जवाब। मामला सूबे ते पाए आर्थिक बोझ दा। मानसा दे पिंड हीरो खुर्द दे किसान शेर सिंह ने कर्जे तो परेशान होकर कीटनाशक पी के की खुदकुशी। CM बादल ने किसानों वालों की जा रही खुदकुशियों लिए केंद्र सरकार नूं ठहराया जिम्मेवार। श्रोमणी अकाली दल यूपी दीआं 25 तों 30 सीटां ते लड़ेगा चोण। दिल्ली च श्रोमणी अकाली दल की बैठक तो बाद सुखबीर सिंह बादल ने किया ऐलान। अगस्ता वैसलैंड मामले च साबका फौज मुखी SP त्यागी तो CBI ने की पुछगिछ। राज्यसभा च तृणमूल कांग्रेस का हंगामा। BJP ने कहा मामले ते कांग्रेस नूं करना पवेगा सच का सामना। पंजाब सरकार नवे मुख संसदीय सकत्तरां दी नियुक्ति करन नूं लै के मुश्किल च फस गई है। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने CPS नियुक्ति नूं लै के पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी कर दिता है। कोर्ट ने इस नोटिस का जवाब देने 24 मई का समा दिता है। दस दिए बादल सरकार ने 7 नवे विधायकों नूं CPS बनाया सी, जिस तों बाद एडवोकेट JS पट्टी ने हाई कोर्ट च पटीशन दायर कर नवे CPS बनाउण दे पंजाब सरकार दे फैसले नूं चुनौती दित्ती सी। पिटीशन च कहा गया सी कि पंजाब सरकार एक पासे तां किसानां दे पैसे नहीं दे रही ते मजबूरन किसान खुदकुशियां कर रहे ने, पर दूजे पासे सरकार नवे CPS नियुक्त करके सरकारी खजाने ते बोझ पा रही है। पंजाब च किसान खुदकुशियां रुकण दा नां नहीं लै रहियां। हुण मानसा जिले दे पिंड हीरो खुर्द विखे एक किसान शेर सिंह ने कीटनाशक दवाई पी के खुदकुशी कीती है। जानकारी मुताबिक मृतक किसान शेर सिंह जो सिर चढ़े कर्जे तो परेशान रहिंदा सी, कोई होर वाह ना चलदियां वेख आखिर उसने भी मौत नूं गले लगा लिया। मृतक किसान सिर लखां रुपए दा कर्जा सी, जिस नूं उतारन लई ओह अपने आप नूं असमर्थ महसूस कर रहा सी, जिस कारण शेर सिंह ने कीटनाशक दवाई पी के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मलौट पहुंचे पंजाब दे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने हुण अपनी भाईवाल पार्टी BJP ते ही निशाना साधिया है। मुख्यमंत्री बादल ने सूबे च हो रही किसान खुदकुशियां लिए केंद्र सरकार नूं जिम्मेवार दस्से है। उन्हें सफाई दिंदे कहा कि पंजाब सरकार किसानां लई जिन्ना कर सकती है वह कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा पर फसलों का सही रेट किसानों नूं केंद्र सरकार नहीं दे रही, जिस कारण किसानों की आमदन घट हो रही है अते वह खुदकुशियां कर रहे ने। इस मौके उन्हें आम आदमी पार्टी ते भी निशाने साधे। किसान इसलिए खुदकुशी कर रहा है कि उसकी आमदन जो है उसकी पंजाबी बोली है हिंदी बोली पंजाबी उसकी आमदन जी है वो खर्च नालों घट है, और जिहड़ा खर्च है ये सारा कंट्रोल्ड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये को अज नहीं, इहदा बड़े चिर तो असर पै रहा, क्योंकि जिहड़ा किसान की आमदन भी उन्होंने देनी है झोने की कणक की चुकी करनी, तो खर्चा है जिस तरह डीजल का खर्चा है, खादा का खर्चा है, कीड़े मार दवाइया जो खर्च होंगे वह भी उन्होंने कीमत होगा। मैं भी कई बार लिख चुके हाँ, आख भी चुके हाँ, पहला भी कांग्रेस सरकार वेले भी ये लोड़ है कि ये तुरंत लोड़ है कि किसानी बचाने वास्ते किस तरह किसानी मुनाफा बख्श धंधा बनाया जाए। ये कोई 2-4 बंद एक्सपर्ट की कमेटी बना के 2-3 महीनों च यदा फैसला करे। उधर किसान खुदकुशियां दे मामले ते आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार नूं जिम्मेवार दस्या है। गुरदासपुर पहुंचे आप दे पंजाब कन्वीनर सुचा सिंह छोटेपुर ने कहा कि सूबे च किसान खुदकुशियां लई राज सरकार अते खुद मुख्यमंत्री बादल जिम्मेवार ने। उन्हें कहा कि सूबा सरकार दीआं गलत नीतियां करके ही पंजाब दे किसान खुदकुशियां कर रहे ने। इस मौके उन्हें केंद्र सरकार तो भी मांग की कि सरकार छेती ही स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिश लागू करे। एक माँ पुत जिहड़े एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पुलिस के सामने उन्होंने खुदकुशी कर किसी ने उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की। ये तो सरकार को वड्डे स्टैप लेने चाहिए सी। बादल साहब अजकल कह रहे हैं कि खेती लाहेवंद धंधा नहीं है। बादल साहब लगातार 9 साल के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, किसानों के सिर पर वोटा लेंगे, पंथ के नाते वोटा लेंगे, पंथ का भी कख नहीं रहन दिता तो किसानी का भी कख नहीं रहन दिता। क्यों नहीं उन्होंने लाहेवंद धंधा बनाने की कोशिश करते, गल्लां क्यों करते? कभी कहणगे भी वह जिहड़ा कमीशन सी साडा स्वामीनाथन कमीशन उहदियां रिपोर्टां लागू होनी चाहिए, तो किन्ने करनियां ने? वह मुख्यमंत्री ने करनियां ने। दिल्ली दे विच भी इन्हां दी सरकार आ, अग्गे तो इन्हां कोल बहाना सी कि साडी कोई गल नहीं सुनदा, तो हुण तो कहिंदे सी वी सानूं दिल्ली दे विच भी जिताओ
तो मोदी साहब साढ़े ट्रकों नाल पैसा भेजणगे पंजाब दे हालात सुधरणगे तो चाहिए वो सारिया रिपोर्टा जिहड़ियां इंप्लीमेंट करवानी चाहिए लागू करवानी चाहिए। हुण श्रोमणी अकाली दल पंजाब तो बाहर उत्तर प्रदेश दीआं विधानसभा चोणां च वी अपने उम्मीदवार उतारेगा। इस संबंधी श्रोमणी अकाली दल दी दिल्ली च अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल दी अगवाई हेठ मीटिंग वी होई। मीटिंग तो अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान कीता कि उन्हां दी पार्टी यूपी विधानसभा चोणां च अपने उम्मीदवार खड़े करेगा। इस मौके सुखबीर सिंह बादल ने साफ कीता कि अकाली दल यूपी विधानसभा दीआं करीब 25 तों 30 सीटां ते अपने उम्मीदवार उतारेगा। ने फैसला कीता कि उत्तर प्रदेश दे इलैक्शनां विच श्रोमणी अकाली दल हिस्सा लेगा। अज असी 5 मैंबर या 6 मैंबर पार्टी की हाई कमांड कमेटी बना दी है। ढींसा साहब, भूंदड़ साहब, चंदू महरा साहब, रणिके साहब, मनजीत जी के ते अपने हित साहब, सर राय सिंह जी जो एक्स चीफ सैकटरी है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने जिम्मेवारी दी है सारा संगठन खड़ा करना है सारा अभी उपर उत्तर यूपी के उत्तरांचल का। तो जी जी ओवरऑल सारी पार्टी एडवाइजर की पर उन्होंने लगनगे इन्हों के नाल ते फील्ड वाइज जाएंगे हल्किया जाएंगे ऑर्गनाइजेशन करके फिर आप नैक्सट स्ट्रैटी असी 15-20 दिन बाद अगे होर करोंगे। साड़ी अलायंस विद बीजेपी परमानेंट अलायंस है, यदा कुछ होना सोचो। सो वी आर एज अलायंस वी आर साड़ी परमानेंट अलायंस है। हूँ असी क्योंकि नवी स्टेट जा रहे हैं असी सारी ऑर्गनाइजेशन बनाने लगे हैं तो वो बाद असी सारी ऑर्गनाइजेशन बह के फिर असी नेक्स्ट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे। श्रोमणी अकाली दल प्रधान अवतार सिंह ने अंबाला विखे अमृतधारी विद्यार्थियों कृपान अते कड़ा पाउण करके परीक्षा केंद्र विच जाण तों रोकण दी सख्त शब्दां च निखेधी कीती है। एसजीपीसी प्रधान ने कहा है कि यह घटना मंदभागी है अते उह इस संबंधी प्रधानमंत्री अते हरियाणा दे मुख्यमंत्री नूं पत्र लिखणगे। उन्हां कहा है कि उह इस पत्र राहीं दोषियां खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करनगे। दस दिए पिछले दिन ही हरियाणा के अंबाला च सरकारी तकनीकी संस्था च पटवारी की परीक्षा देने आए अमृतधारी सिख नौजवानों की श्री साहिब अते कड़ा उतरवा के ही प्रीख्या केंद्र के अंदर जान की इजाजत दी गई सी। किसानों की मंडियों हो रही खज्जल खुआरी तो बाद सूबा सरकार हुण हरकत च आ गई है जिसके चलद गुरदासपुर च प्रशासनिक अधिकारियों ने मंडिया का दौरा करके खरीद प्रबंधा की जांच की। इस मौके उन्होंने किसानों की मुश्किलों सुन के हल करन दा भरोसा भी दवाया। दस दिए कांग्रेस पार्टी ने पंजाब सरकार नूं मंडियां चो लिफ्टिंग अते किसानों नूं अदायगी करन लई 4 मई तक दा अल्टीमेटम दिता होया है। अजिहा ना होण दी सूरत च कांग्रेस ने सड़कां ते उतरन दी सूबा सरकार नूं धमकी भी दित्ती होई है। ओ सारे ऑफिसर अधिकारी असीं सारे इकट्ठे हो के अलग अलग मंडियां दे विच जा रहे हैं तां कि फार्मर्स नूं किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आवे। हर जगह के उत्ते बारदाने का प्रबंध किया गया है, ड्रिंकिंग वाटर का प्रबंध किया गया है, लिफ्टिंग का प्रबंध किया गया। ये असं साडे वालों यकीनी बनाया जा रहा है कि जदों फार्मर का जिहड़ा अपनी आँदी है फसल इत्थे तो इमीजिएटली सेम डे उहदी परचेज की जाए। इत्थे मैं तुहानूं दस देवां चाहांगा जिले गुरदासपुर के 392,000 MT जिहड़ा वीट है उहदी प्रोक्योरमेंट उहदा टोटल साडे कोल आमद हुई है जिस दे विचों 385,000 जिहड़ा MT है वह असीं जिहड़ा है खरीद कर चुके हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਾਊਂਡ ਮੋਰ ਦੈਨ 60% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ GRP ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ GRP ਪੁਲਿਸ ਨੇ SHO ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਿਓ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਗਿੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ 174 ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 81 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 306(34) IPC ਵਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਵਿੰਦਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
तो स्वर्ण सिंह के खिलाफ दर्ज रजिस्टर कर दिया गया जिदी ये तफ्तीश है जी मान्यो गेड़ी साहब वालों सरदार लखविंदरपाल सिंह खहरा एस पी जी आर पी जलंधर मारक हो सर जी देखो यदी जी तफ्तीश है वह एस पी साहब कर रहे हैं हूँ एस पी साहब ही ये बारे जो अगर इन्वैसटिगेशन होगी थोड़ा जाणू करा सर देखो ये तफ्तीश का मामला है या कई कॉन्फिडेंशियल होंगे ने जो भी उस हिसाब नी जे एस पी साहब ही अगर थोड़ा फजिलका के गैंगस्टर जसविंदर सिंह रॉकी के कतल तो बाद गैंगस्टर विक्की गौडर ने फेसबुक से एक पोस्ट पाके मामले की जिम्मेवारी ली सी गैंगस्टर विक्की गौडर ने इस मामले च बठिंडा SSP स्वपन शर्मा का नाम भी लिया सी जिस तो बाद खुद SSP बठिंडा ने कहा कि उन्होंने इस मामले च कोई लेना देना नहीं है उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले च किसी साजिश तहत घसीटिया जा रहा है ना मेरा नहीं वो उधर उधर का हुआ हाँ नहीं धमकी इन्हें किसी गोंडर हो गए नीटा देओल हो गए ये सारे गैंगस्टर्स हैं ये कुछ एक्सटॉर्शन कॉल्स करते सीगे इधर साड़ी पुलिस इन्हों लेके आई सी प्रोटेक्शन वारंट से एक नू 3 हफ्ते पहले लेके आई सी एक नू 5 हफ्ते पहले लेके आई सी बस उसी उसी का रिएक्शन है ना ना ऐसा कुछ भी नहीं है सर अरेस्ट अरेस्ट आप ही किया सीगा रॉकी नू उधर भी मोगा के बागा पुराना च पिस्तौल की नोक से 2 लुटेरिया ने 22 लाख की लुट नू अंजाम दिता है जानकारी मुताबिक लुटेरिया ने व्यापारी रजिंदर कुमार नू अपनी लुट का शिकार बनाया है पीड़ित ने दसा कि 2 लुटेरिया ने उसनू आ के धमकाया कि उसका बेटा उन्होंने कब्जे च है अते पैसे ना देन दी सूरत ओ उसका कतल कर देंगे व्यापारी रजिंदर कुमार ने दसा कि उसने डर दे मारे करीब 22 लाख रुपए लुटेरिया नू दे दिते उधर पुलिस मुताबिक उन्होंने केस दर्ज कर लिया अते जांच की जा रही है दो प्रतिबंधी आए थे उन्होंने बेड़ी का ना पूछा यू कितने है मैं कहा यू बाजार चले उस तो बाद उन्होंने मेरे से पिस्तौल जब थोड़ा रखा गया ला के वो कहते कि वो साढ़े कब्जे च जो कुछ बारी च है वो कर हाँ क्या बेटा साढ़े को हूँ तुम जिम्मे मर्जी सुनो मैं ये क्या उन्होंने बाई पी सी मुन्ने से दोनों एक पैंट शर्ट पाई सी एक पैंट कोई तो पहचान है उन्होंने कोई सामने आ जाता पहचान कोई ਕਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਸੀ 100 ਦੇ ਜਾਂ 500 ਜਾਂ ਸਾਰੇ 500 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ 500 ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਸੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੈਗ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭੈਣੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਸੰਬੰਧੀ 2010 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਪੈਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚੀ ਮਾਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਜਣੇ ਦੀਆਂ 2 ਨੌਹਾਂ 2 ਲੜਕੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ 7 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ 302 IBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 77 ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਬਾਲਾ
ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀ ਆਟੋ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਮ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਕਰੀਬ 4:30 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਵਾ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਫਸੋਸ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨੂੰਹ। ਸੱਸ ਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਇੱਧਰ ਟੈਂਪੂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਡਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਵਾਈਲ ਕੋਈ ਸਕੋਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਲਾਗਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਿਵਾਈਡਰ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਲੇਡੀ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੋਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਓ ਜੋ ਕਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਰਮਾਇਨਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਠਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਤ੍ਰਿਮੂਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਖੇਂਦੂ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਸਦਨ 'ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਮੂਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੌਪਰ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ NIT ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। अगस्ता कांड में जो घूस कांड जो हुआ है, इसमें किसने घूस लिया है, इसका आइडेंटिटी रक्षा मंत्री को स्टेटमेंट देने पड़ेगा। रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, उनको स्टेटमेंट देने पड़ेगा कि सरकार अभी तक खामोश क्यों है, ये घूस किसने लिया है, ये गांधी कौन है, AP कौन है, शशिकांत कौन है, गांधी कौन है, AP कौन है, ये सारे आइडेंटिटी सरकार को डिस्क्लोज करने पड़ेगा, रक्षा मंत्री को बयान देने पड़ेगा। रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, रक्षा मंत्री को बयान देने पड़ेगा कि ये गांधी कौन है जिसने घुस लिया है, ये AP कौन है जिसने घुस लिया है, ये शशिकांत कौन है जिसने घुस लिया है। सरकार को जवाब देने पड़ेगा, डिफेंस मिनिस्टर को बयान देने पड़ेगा। ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਸਤਾ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਲੁਕਾ ਛਿਪੀ ਕੀ ਰੂਟ ਲਾਬੀ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਿਨਾ ਲਾਗ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਇਸੀ ਲਈ ਅਬ ਜੋ ਉਨਕੀ ਭੂਲੀ ਬਿਸਰੀ ਯਾਦੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਉਸੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੀ ਸੰਸਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਜਬ ਸਰਕਾਰ ਮੇਂ ਥੇ ਤੋ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਅਗਸਤਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਸਕੋ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। अब बाहर जो कह रहे हैं कि उसको ब्लैक लिस्ट हमने कर दिया था, तो क्या करेक्ट है, क्या सच है और क्या गलत है, उसकी मुझे लगता है भूली बिसरी यादों को उन्हें करेक्ट करना चाहिए और बिना लाग लपेट के संसद में उनको सच का सामना करना पड़ेगा, उनको तमाम जवाब सुनने पड़ेंगे। इसलिए हमारा यही कहना है कि लुका छिपी से काम नहीं चलेगा और लुका छिपी की लूट लाबी जो है वो पूरी तरह से अब एक्सपोज होती है। ਅਗਸਤਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ BSP ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ BJP ਦੇ। ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਾ ਜੋ ਡੀਲ ਕਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਲੇਕਰ ਤੋ ਕਭੀ BJP ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਲਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕਭੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕਭੀ TMC ਕੇ ਲੋਕ, ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਯਹੀ ਹੈ कि सरकार को चाहिए कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसके ऊपर यदि वो मेरे ख्याल सरकार अपना जो अपना स्टैंड क्लियर करे या इस पे चर्चा कराए। हालांकि डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये बयान आ रहा है कि वो 4 तारीख को इसके ऊपर कुछ अपना स्टेटमेंट वगैरह देंगे, लेकिन तब तक तो हाउस चलना चाहिए। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਫ੍ਰੀ ਮੀਡੀਆ। ਉਧਰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ CBI ਸਾਬਕਾ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਮੁਖੀ SP ਤਿਆਗੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
सीबीआई दे बुलाने ते फौज मुखी सीबीआई दफ्तर पहुंचे, दस दिए ईडी वालों भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले च साबका फौज मुखी तो पूछगिछ की जानी है। दसा जा रहा है कि ईडी भी उन्होंने इसे हफ्ते पूछगिछ लई बुला सकती है। साबका हवाई फौज मुखी एसपी त्यागी ते रिश्तेदारा राही रिश्वत लैन दे इल्जाम लगे ने। जानकारी मुताबिक 3600 करोड़ दे हेलीकॉप्टर सौदे च 225 करोड़ रुपए दे ज्यादा दी रिश्वत भारत दे लीडरां ते अधिकारियां च वंडी गई सी। इस पूरे मामले च हुण त्यागी तो पूछगिछ हो रही है। पाकिस्तानी पंजाब च एक सिख नस्ली हमले का शिकार होया है, जिथे एक सिख की पग उतारी गई है। मामले च पुलिस ने 6 लोगों खिलाफ ईश निंदा का मामला दर्ज किया है। घटना पाकिस्तानी पंजाब के पछमी जिले की है। शिकायतकर्ता 29 साल महेंद्रपाल सिंह मुताबिक वह मुल्तान का रहने वाला है। घटना समय वह फैसलाबाद तो मुल्तान जा रहा है, जदों बस च सवार कुछ लोगों ने उसकी कुटमार की और उसकी पग ला के हेठां सुट दिती। महेंद्रपाल सिंह ने तुरंत मामले की शिकायत पुलिस कोल कीती। उधर पुलिस ने इस शिकायत के आधार से ईश निंदा कानून तहत मामला दर्ज करके मुलजमा की भाल शुरू कर दी है। अमेरिकी सिख ते हमला करन वाले अमेरिकी नौजवान ने खुदकुशी कर ली है। 17 साल अलेक्सिस मेडोसा ते अमेरिकी सिख की कुटमार करन अते उसते कार चढ़ाउन दा दोष है। अलेक्सिस नू फिलहाल जमानत मिली हुई सी अते उसने कुछ दिन पहला ही $115,000 की जमानत ली सी। अलेक्सिस मेडोसा ते दोष सी कि उसने बीते साल 26 दिसंबर नू 68 साल बुजुर्ग अमरीक सिंह बल की कुटमार की अते उसते अपनी कार चढ़ा दिती सी। पुलिस ने दसा कि मेडोसा अते कार विच सवार एक होर मुसाफिर ने अमेरिकी सिख ते इसलिए हमला किया क्योंकि उन्हें पगड़ी ते रिवायती सिख पहरावा पाया होया सी। दोषी ठहराए जान उत्ते मेडोसा नू मारू हथियार नाल हमला करन अते नफरती हिंसा दे दोषा तहत 13 साल की सजा हो सकती सी। जर्मन विच गुरुद्वारा साहिब ते हमला करन वाले वधेरे जानी नुकसान करना चाहते सन। जर्मन दे शहर एसन विखे गुरुद्वारा साहिब विच होए बंब धमाके दे मामले विच जांच अधिकारियां ने एक नवा खुलासा किया है। जांच अधिकारियों के मुताबिक फड़े गए दो शक्की नौजवान वधेरे जानी नुकसान करना चाहते सन, पर वो अपने इस मकसद विच कामयाब ना हो सके। गुरुद्वारा साहिब दे मुख प्रवेश द्वार राही दाखिल ना हो सकन कारण उन्हें प्रवेश द्वार ते ही बम रख दिता। ये बम काफी शक्तिशाली सी, जिस नाल इमारत नू काफी नुकसान हो सकता सी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि ये बड़ी खुशकिस्मती दी गल है कि गुरुद्वारे दा ज्यादा नुकसान नहीं होया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा वालों भारतीय मूल की पत्रकार नू सम्मानित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अते प्रथम महिला मिशेल ओबामा वालों व्हाइट हाउस च सालाना समारोह दौरान यह सम्मान दिता गया है। पत्रकार नीला बैनर्जी नू उसके 3 साथियों के नाल पुरस्कार एडगर ए पोए दिता गया है। जिक्र योग है कि यह पुरस्कार पत्रकारी च राष्ट्रीय अते खेतरी महत्व लई काम करन वाले पत्रकारां नू व्हाइट हाउस कोरेस्पोंडेंट एसोसिएशन वालों दिता जाता है। नीला बैनर्जी वाशिंगटन डीसी आधारित क्लाइमेट न्यूज़ नाल जुड़ी हुई है अते इस तो पहला लॉस एंजलिस टाइम्स दे वाशिंगटन ब्यूरो लई ऊर्जा अते वातावरण मामलों बारे पत्रकार सन। खबरां दे इस बुलेटिन च फिलहाल इन्ना ही। इजाजत दिओ, धन्नवाद।